भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। सही कह रहे हैं, भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, आप रैलियां करके हार गए थे, देश अपने सिलेंडर लेकर के लाइनों में खड़ा रहा, कभी हिम्मत हारी? एम्बुलेंस नहीं थी, देश ने ई रिक्शा और कार की छत पर लाशें लाद ली, कभी हिम्मत हारी? लाशें जलाने के लिए लाइन में खड़ा रहा, कभी हिम्मत हारी? जिनकी लाशें नहीं जल पाई उन्होंने गंगा के किनारे रेत में दबा दी, क्या कभी हिम्मत हारी? जिनकी लाशें गंगा की रेत में भी नहीं दब पाई उन्होंने अपनी लाशें गंगा में बहा दी, क्या कभी हिम्मत हारी? आप भरोसा रखिए, गलियों में डेड बॉडी भी फेंकी जाने लगेंगी तब भी कोई हिम्मत नहीं हारेगा। देश सब कुछ तो हार चुका है, अब बस हिम्मत ही बची है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान मुझे पढ़ाया गया कि खबर बताते समय खुद को हमेशा उससे अलग रखना, अपने ऊपर इमोशंस कभी हावी नहीं होने देना, आदमी मरा पड़ा हो तो दुखी मत होना, सिर्फ ये बताना कि वो क्यों मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा, 5W1H का पालन करना। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा पत्रकारिता के इस नियम में फिट नहीं बैठ पाई। देश के दुख में दुखी हो जाती हूँ, लाशें देखकर द्रवित हो जाती हूँ, पत्रकारिता की रूल बुक के हिसाब से मैं निष्ठुर नहीं हो पाई, इसलिए कभी लोगों की परेशानियां देखकर गुस्सा चेहरे पर दिख जाए तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। IPL कोविड के कारण रद्द हो गया है, लेकिन बहुत सारे दूसरे क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं, जैसे जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान टेस्ट, और भी बहुत सारे खेल हैं। आप 1xBet पर अपने मनपसंद खेल में सही अंदाजा लगाकर ईमानदारी से पैसे कमा सकते हैं, पेटीएम बैंक और दूसरे आसान तरीकों से जीती गई राशि निकाल भी सकते हैं। शुरुआत में खेलने के लिए प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने पर पहले $100 आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक है। खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आज की खबर बताने का काम शुरू करते हैं। कोरोना के भयानक अंधेरे के बीच मोदी जी किसानों को 2,000 रुपए बांटने आए थे। लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो बताएंगे कि सबको वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है, कब तक टीके आ जाएंगे, गंगा की लाशों पर कुछ तो बोलेंगे, बालों में दबी लाशों पर कुछ बोलेंगे जरूर, गांवों में मातम पसरा है उस पर कुछ बोलेंगे, या अस्पतालों में ऑक्सीजन दवाई इलाज पर भी कुछ तो बोलेंगे। कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा में उनका अपना घर बन रहा है, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन मोदी जी जब आए तो लौकी, तरोई, पालक कैसे उगाई जा रही है और कैसे उगानी चाहिए, इस पर चौपाल लगाई और कोरोना पर नैतिक शिक्षा का थोड़ा सा ज्ञान देकर चले गए। प्रधानमंत्री जी की खासियत है कि वो समस्याओं पर बात नहीं करते, किसानों से भी किसी समस्या पर बात नहीं की, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। कोरोना को छोड़कर पॉजिटिविटी शब्द में कोई बुराई नहीं है, पॉजिटिविटी सबको अच्छी लगती है। मोदी जी भी नेगेटिव हो चुके देश में पॉजिटिविटी से सराबोर रहे, जितने किसान कैमरों पर थे सबके सब खुशहाल थे। तो फिर देश के वो रोते हुए किसान कौन है जो आत्महत्या कर लेते हैं, बबूल के, आम के, नीम के पेड़ से लटक जाते हैं। कैमरों के सामने तो लोन लेने वाले किसान और आलू उगाने वाले किसान भी खुश हैं। सरकार को चाहिए कि आत्महत्या करने वाले कैटेगरी के किसानों को भी ऑनलाइन बिठाया जाए, कभी उनसे भी संवाद किया जाए। खैर, समय नेगेटिव हो जाने का है, नेगेटिव बातें कहने का नहीं, आपको नेगेटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। रो तो पूरा देश रहा है। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।